लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज के वीलॉग में आपको शामिल करते हैं। अभी नींद से होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दोपहर का टाइम है, ये तकरीबन 4 बज रहे हैं। सो दोपहर को बड़ी अच्छी नींद आती है ना, सोने के बाद दिल नहीं करता कि जो ना बंदा उठे नींद से और ऐसी ठंडी हवाओं को छोड़ के बाहर जाए। कभी कभी मजबूरन बंदे को निकलना पड़ता है। अभी मैं उठाऊँ, अभी दूध भी लेना है, फिर दूध के बाद चाय बनेगी, चाय पी के उसके बाद निकलना है इधर से। आज जाना है गाड़ी देखने के लिए जाना है सिटी में, तो देखते हैं कौन सी गाड़ी है, क्या है। गाड़ी बेच के बड़ी दिक्कत होती है यार आने जाने में, गर्मी भी बहुत है, बाइक पे गुजर आना मुश्किल हो गया है ना। तो अभी देखें गाड़ी का सौदा होता है नहीं होता। फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से चलें दूध लेने भाई। सो आ जाएं, ना उठते हैं। ये मैं आपको अपने जो है ना गेट के पास, हमारे पास बड़े कुत्ते आ गए हैं। सो ये हमारे मोहल्लेदार कहते हैं कि ये कुत्ते शायद आपने जो है ना अपने लिए रखे हैं ख़ास, मगर ये हमने नहीं रखे हैं ये कुत्ते, ये पालतू कुत्ते हैं, ये बाहर से आ गए हैं। इधर आके जो है ना बस वो उनको छाँव मिल जाता है, यहीं लेट जाते हैं, फिर हमारे बच्चे निकलते हैं इनके लिए कुछ खाना पीना लेकर आते हैं, फिर देते हैं इनको, फिर इसलिए ये इधर बैठा ही रहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो ना ये इधर बैठे, मगर क्या करें, फिर इनको कोई और तो जगह नहीं मिलती, फिर इधर हम भी इनको छोड़ते हैं कि बल्ले बैठ ही जाएँ। सो हाँ माशाल्लाह, उधर तो इस गर्मी में शाबाश है इन बच्चों को, कैसे खेल रहे हैं क्रिकेट। वैसे क्रिकेट बड़ा मज़ेदार है, मगर इस धूप में खेलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। हेलो हमारी, वो देखें बच्चे, इधर भी बड़े माशाल्लाह छक्के मारे जा रहे हैं। क्रिकेट तक खेलो? अच्छा वो माँ भी बट बाल खेडा भला। हाँ देव मुखे बच्चा बाल लायो, अरे मिस थी हुआ, एकड़ो बियो लायो। ओ वही मिस थी हो, वंस लास्ट चांस बस आखिर में एकड़े बाल के पुम आउट थी तो पुमा भी दम ठीक है। ये छक्को दो, ओ गुड शॉट, अचो वी आई पी खेलो, एंजॉय कियो, मज़ा कियो, तव्हां खे छा आहे तव्हांजो स्कूल बंदन जगो, बस घर में ॿारनि खे तंग कजो, ॿारनि खे न वॾनि खे, ॿारनि खे बि तव्हां कुटी न आहियो। हलो 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 हलायो, ओ गुड शॉट। सो भाई बच्चों के मज़े हो गए, लॉकडाउन में स्कूल भी बंद हैं और मदरसे भी बंद हैं, मगर इन्होंने जो इन बच्चों ने जो ना बड़ों को जलील किया हुआ ना घर में, ये तो उनको ही पता है जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बड़ा बच्चा है, उसके बाद छोटा जो बच्चा है वो ज़्यादा जलील होता है किन की हाथों, जो बड़ा बच्चा होता है उनके हाथों। नदीम भाई ज़रा इधर, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं, तबीयत सही है भाई? आप सुनाएं यार, सुबह आप जो दूध लेके आते हैं ना, मैं बैठक में सो रहा होता हूँ, आपकी पटपटी की आवाज़ बड़ी ज़ोर शोर से बजता है, थोड़ा आस्ता आस्ता लेके आएँ, उसको उधर खड़ी करें, थोड़ा यार दूर खड़ी करें यार, मैं मुझे नींद छुटा देते हो आप। तो दूध तैयार है मेरा? तैयार है, तो फिर जी बिस्मिल्लाह करके दे दें। तो मिल गया, मगर गर्मी बहुत है और धूप की शिद्दत भी तेज़ है। ये भाई सुबह सुबह हमारे लिए दूध लेके आते हैं, मैं बैठक में सोता हूँ, मेरे इनके जो है ना वो बिल्कुल रोड के ऊपर ही है हमारा बैठक है। ये जैसे आता है सुबह को, भाई तो बड़ी अल्टर किया हुआ इसका बाइक, शायद इसका साइलेंसर बहुत तेज़ है। सुबह फजर को मुझे नींद से उठाता है, बाकायदे कान से पकड़ के उठाता है। आज इससे रिक्वेस्ट की है कि बराए मेहरबानी करके आप भाई आप बाइक थोड़ा पीछे रखा करें, या तो आहिस्ता आहिस्ता लेके आया करें आप, ठीक है।
सीन तो नहीं दिखा है, बस फ़ोन हो गया, फ़ोन आ गया उनका और मैं बस निकल पड़ा हूँ अपने घर की तरफ। वो गाड़ी सिटी में तो पहुँच नहीं सका, उन्होंने हमें बुलाया है उधर पे जाएं जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, ये सिटी से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो इंशाल्लाह आधे घंटे के ड्राइव पे या 15 मिनट लगेंगे हमें पहुँचने में, गाड़ी में जाएंगे। अभी मेरा दोस्त उधर खड़ा हुआ है, उसके गाड़ी में जाएंगे, फोर व्हील है वो। पहले तो उस पंप पे जाना है जिसकी जिसके पास गाड़ी है, जिनका गाड़ी हमें लेना है उसकी कोई अमानत वहाँ पड़ी हुई है, एक पंप है, वो भी हमारा दोस्त है जिसने हमें जो अपनी गाड़ी भेज रहा है हमारे पास, उसके कुछ अमानत पड़े हैं अजीम पंप पे, वहाँ से उठाने हैं। तो उसके बाद गाड़ी में बैठना है हमें, फिर वहाँ जाना है। सब ठीक है, चलते हैं, आपको दिखाते हैं गाड़ी भी। बड़ी कोशिशों बाद अभी मैं शोरूम पे पहुँचा हूँ, जिससे गाड़ी लेनी है उससे बोल रहे हैं भाई इधर लेके आओ, हमारे पास कार नहीं है। ये असल में कार है हमारे पास, मगर ये जावेद भाई मेरे साथ चलेगा जो गाड़ी चेक करेगा, मैं तो हैवी ही हूँ। हाँ जावेद भाई, तो चलना है उधर, कैसे पहुँचेंगे हम? गाड़ी चेक करनी है, वो जो अभी लेनी है हमें मरगला, बस उसको इधर ही मंगवाओ। उसे बोल रहे हैं यार, मगर वो स्टार यही कर रहा है कि आप आ जाएं। नहीं, बस उसको इधर ही मंगवाओ। अच्छा, उधर जाने के लिए हमारे पास गाड़ी नहीं है। हाँ चलें, कोशिश करते हैं हम उनके उसके पास जाने के लिए। थोड़ा वेट पर रखा हुआ मैंने उसको, मैंने बोला आधा घंटा आप सब्र करें, हम कोशिश करते हैं। अच्छा भाई, जब तक मैं आपको ये गाड़ी ही दिखाते हूँ, ये मेरान 2016 मॉडल VXR है। इसकी कंडीशन भी बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी गाड़ी है। इसको इंटीरियर में आपको इसका इंटीरियर भी दिखाता हूँ आपको। ये डिमांड कर रहा है कि जो है ना 5,000 रुपये। वैसे इसका रूम इतना अच्छा नहीं है, मगर बाकी इसका जो है ना इंटीरियर, यानी कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है, इस पर टेप भी नहीं है। ये बड़ा फॉल्ट है यार, टैप के बगैर नौजवान नस्ल तो चल ही नहीं सकता। इसको ऐसे देखें, सीट कवर भी चेंज होंगे, इतना शोशा नहीं है इस गाड़ी में। दिखाता हूँ मैं इंजन कैसा है इसका, ये देखें। बड़ी इसका इंजन तो साफ़ है अंदर से, इंजन सही है, बॉनेट भी ओरिजिनल है, जेन्युइन गाड़ी है टोटली। ठीक है, अभी हम भी निकल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, वो जो गाड़ी देखना है हमें।